सीरीज ऑफ इवेंट्स डैश हैपेंड घटित हो गई, घटनाओं की एक श्रृंखला घटित हो गई, मतलब घटनाओं की श्रृंखला, घटनाओं की श्रृंखला। बताओ क्या हम लगाएंगे यहाँ पर, हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे। सबसे पहले आप इसको देखो, हम देखेंगे ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, तो यहाँ पर एस लगा हुआ है, सीरीज लगा हुआ है, लेकिन सीरीज जो है वो क्या होता है, सिंगुलर भी होता है, प्लुरल होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आ सीरीज लिखा हुआ है, मतलब सीरीज एक ऐसा शब्द है, सीरीज एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर और प्लुरल में दोनों में क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ पर एक जगह टू होता अगर, तो यहाँ पर फिर क्या बन जाता है, बन जाता। थ्री होता तो क्या बन जाता है, ये ऐसा शब्द ही है, इसका नेचर ही ऐसा है कि बदलता नहीं है, इसका नेचर कैसा है कि ये कभी भी बदलता नहीं है। और आपका क्या नेचर है बताओ, आप लोग जहाँ पर देखोगे पुराना दोस्त है उसके पास पैसा खत्म हो गया है, नया मिल गया और मार पैसा खर्च पे खर्च कर रहा है, तुम तुरंत ही क्या करोगे जो है, जगह अपनी बदल दोगे जो है। लेकिन ये ऐसा वर्ड है, चाहे एक आए चाहे दो आए चाहे तीन आए, ये कैसा रहेगा, सेम रहता है, लेकिन वर्ब क्या होती है, बदलती रहती है। तो यहाँ पर एक की बात करें तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर हैस हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, गेल्स गेल्स इनिंग्स अगेंस्ट किंग्स इलेवन डैश हिज बेस्ट। बताओ क्या, गेल्स इनिंग्स, बताओ गेल्स कितनी पारियां खेली, बताओ अगेंस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉज। जैसे सीरीज वर्ड वैसे इनिंग्स वर्ड है। अगला है मेजल्स, मेजल्स का मतलब क्या होता है, खसरा। ये बीमारी का नाम है, बीमारी इस लगा तो है, लेकिन ये कितनी बीमारी है, एक। जैसे रिकेट्स कितनी बीमारी है, एक। बताओ रेबीज कितनी बीमारी है, एक। डायबिटीज कितनी बीमारी है, एक। बताओ मेजल्स कितनी बीमारी है, एक। बस ये बीमारी का क्या है, एक नाम है। बस अंत में क्या लग गया है, एस लग गया है। हमने एग्जाम्पल बताया था कि लास्ट में लिखा हुआ विकास लिखा हुआ है, विकास के अंतिम में क्या आया हुआ है, एस आया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, प्लुरल बन गया, विकास में से आ गया है, नहीं है। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो होते हैं सिंगुलर, लेकिन अंतिम में क्या लिखा रहता है, एस लगा रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है मेनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। देखो मेनी नॉलेज की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, नॉलेज की ज्ञान की शाखाओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात, ज्ञान की शाखाओं की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे हिंदी में समझ, इंग्लिश में क्या समझेंगे, देखेंगे प्रीपोजिशन कहाँ पर आया हुआ है, क्या आया हुआ है ऑफ, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, ब्रांचेज। अब बताओ ब्रांचेज क्या होता है, प्लुरल, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, आर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है नॉलेज डैश पावर, बताओ क्या हो जाएगा, इज। नॉलेज इज पावर, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगी, ज्ञान ही शक्ति है। अगला उसके बाद मेनी ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, अब बताओ वहां पर नॉलेज था, यहाँ पर क्या हो गया, समझ में आया, मतलब वहां पर हम नॉलेज की बात करें, नॉलेज इज पावर, मतलब ज्ञान क्या है, शक्ति है, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मेनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कई शाखाएं डैश एट हिज कमांड, उसके आदेश पर हैं, उसके पास हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर। क्यों आर होगा, क्योंकि ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, ब्रांचेज, और ब्रांचेज क्या होता है, प्लुरल। तो हम जब वर्ब का यूज करते हैं, पोसेसिव का यूज करते हैं, देखते हैं कि पहले प्रीपोजिशन के ठीक पहले क्या आया हुआ, तो इसके पहले क्या आया हुआ, प्लुरल वर्ड आया हुआ, नॉलेज डैश पावर, ये तो हो गया है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑल हिज लगेज डैश लॉस्ट। अब देखो ये सब क्वेश्चन आप तब समझ पाओगे जब आपका नाउन का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ ऐसे आपको सब्जेक्ट और एग्रीमेंट वर्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जब आप नाउन पढ़ लोगे तभी वो कुछ समझ में आएगा। लगेज एक ऐसा वर्ड है जो क्या होता है, सिंगुलर। जैसे वाटर होता है, नॉलेज होता है, वैसे क्या होता है, लगेज होता है, वैसे क्या होता है, फर्नीचर होता है, वैसे क्या होता है, म्यूजिक होती है, वैसे क्या होता है, डस्ट डर्ट, ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर वर्ड होते हैं। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इज लगा दें। अगर यहाँ पे ऑल हिज कुछ और लिखा होता, थिंग्स लिखा होता, तो क्या लगाते हैं, प्लुरल। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा, लगेज। लगेज जो कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगला है अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश गेदर। गेदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, जुटना। अब बताओ अ नंबर ऑफ, हमने बताया था जब भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आ जाए, आ ग्रेट मेनी आ जाए, आ गुड मेनी आ जाए, आ लार्ज नंबर ऑफ, आ लार्ज नंबर आ जाए, आ लॉट ऑफ आ जाए, इन सब का मतलब होता है मेनी होता है। इन सब का मतलब क्या होता है, मेनी। और मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत। बताओ बहुत सिंगुलर होता है कि प्लुरल होता है, प्लुरल। इसका मतलब बताओ बहुत के साथ मेनी का जो नाउन, जो वर्ब यूज करते हैं, जो सब्जेक्ट हम आएगा क्या आएगा, प्लुरल आएगा। जो वर्ब आएगी वर्ब भी क्या होगी, प्लुरल। जो पोसेसिव आएगा वो भी क्या होगी, प्लुरल। इसका मतलब अ नंबर ऑफ का मतलब ही क्या होता है, मेनी होता है। मेनी के बाद जो नाउन आया कैसा आया, ये प्लुरल आया, मतलब प्लुरल शब्द है। तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लुरल। तो बताओ प्लुरल कौन सी वर्ब है, वर्ब वर्ड है। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है 50% ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बताओ ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, परसेंट वर्ड। जब भी समझना, जब भी क्या आ जाए, परसेंट आ जाए, या क्या आ जाए, फ्रैक्शन आ जाए। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, भिन्न, एक बटा तीन, वन थर्ड, टू थर्ड, थ्री फोर्थ, फाइव, वन फिफ्थ, एक बटा चार, एक बटा पाँच, दो बटा तीन, ऐसा वर्ड आ जाए, या ऑल आ जाए, या क्या आ जाए, सम आ जाए, या क्या आ जाए, मोस्ट आ जाए, या क्या आ जाए, आ लॉट आ जाए। तो देखते हैं, देखते हैं इसके बाद नाउन कौन सा आया हुआ। अगर इसके बाद काउंटेबल नाउन अगर आएगा, इसके बाद कौन सा नाउन अगर आएगा, काउंटेबल नाउन अगर आएगा, तो काउंटेबल नाउन हमेशा क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, प्लुरल होगा। और बताओ वर्ब फिर क्या लगाएंगे, प्लुरल वर्ब। और पोसेसिव क्या लगाएंगे, प्लुरल पोसेसिव। लेकिन अगर इसके बाद जो नाउन आया हुआ है वो अगर अनकाउंटेबल होगा, मिल्क हो गया, वाटर हो गया,
ऐसे नाउन आते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, वो हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर हो जाएंगे। तो वर्ब भी क्या आएगी, हमेशा सिंगुलर आएगी। पॉसेसिव भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। अब बताओ इसके बाद क्या आया हुआ, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो बताओ हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, हैव लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, प्लेंटी या फूड ग्रेन्स, बताओ फूड ग्रेन्स ये कौन सा वर्ड है, सिंगुलर वर्ड है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, अनाज। फूड ग्रेन का मतलब क्या होता है, अनाज। अनाज क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। नेक्स्ट, लॉट्स ऑफ पीपल, बताओ लॉट्स ऑफ पीपल, ऑफ के पहले क्या आया हुआ है, लॉट्स ऑफ, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, हम हैव लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, 20 years डैश अ लॉन्ग पीरियड, 20 साल एक लंबा समय है। बताओ 20 years किसको दिखा रहा है, एक यूनिट को दिखा रहा है। जब भी टाइम हो जाए, टाइम हो, डिस्टेंस हो और वेट हो, इसका प्रयोग एक यूनिट की तरह से किया जाए, तो ये क्या होता है, सिंगुलर। हमने बताया था कि 5 किलोग्राम चावल, अधिक चावल नहीं है, तो क्या बोला हमने, 5 किलोग्राम्स ऑफ राइस इज, बोला इज नॉट, मतलब इज नॉट मच। अगला यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे इज लग जाएगा, इट इज ही हु डैश स्टोलन माई मनी। अब बताओ हु का मतलब क्या होता है, जो। देखो जब भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, कौन सा प्रोनाउन जाए, रिलेटिव। रिलेटिव कौन कौन सा होता है, हु होता है, दैट होता है, और क्या होता है, विच। इन तीनों का मतलब हिंदी में क्या होता है, जो होता है। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो अगर वर्ब आएगी, या जो कहीं पर अगर पॉसेसिव आनी हुई है, तो वो इसके जस्ट पहले क्या आया हुआ, उसके हिसाब से आती है। तो बताओ हु के पहले क्या आया हुआ, ही। अब बताओ ही क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर साथ हम क्या लगाते हैं, हैज का यूज करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा, द मेन हु, देखो फिर से हु का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हु का मतलब जो। देखो हु के जस्ट पहले क्या आया हुआ है, मेन। मेन क्या होता है, प्लूरल होता है। जस्ट बाद क्या आया हुआ है, प्लूरल वर्ब आई हुई है। अब उसके बाद देखिए, वॉकिंग ऑन द रोड डैश फ्रेंड, जितने वर्ब आएंगे वो सभी क्या होंगे, फिर प्लूरल होंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर, इसी का सब लगाएगा, वॉकिंग ऑन द रोड आर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारे को, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स डैश इन्वाइटेड टू डिनर। नॉट ओनली ही, केवल वह नहीं, क्या हो जाएगा, क्या लगा देंगे, हैव क्यों लगाएंगे, बताया था हमने, जब भी दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या ओ आर से जुड़कर आते हैं, तो मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है, बाद वाला होता है, सेकंड वाला होता है। लेकिन जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, एंड नॉट, नो लेस देन, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, विदाउट से जुड़कर आते हैं, तो मेन कौन होता है, फर्स्ट वाला होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा, अखिलेश अलॉन्ग, आ गया क्वेश्चन जो है, अखिलेश अलॉन्ग विथ डैश हिज सपोर्टर्स। देखो एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट क्या है, अखिलेश है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये। रूल क्या कह रहा है कि जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, इन, कौन सा वर्ड आ गया, अलॉन्ग विथ आ गया, तो जब भी दो सब्जेक्ट इससे जुड़कर आते हैं, तो मेन कौन होता है, पहले वाला। अब बताओ क्या लगा देंगे हम, इस लगा देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, रितेश एज वेल एज, ये बताओ एज वेल एज क्या है, बताओ। जब भी हमने बताया, जब भी दो सब्जेक्ट विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, एज वेल एज, इन एडिशन टू, एंड नॉट, नो लेस देन, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, विद, विदाउट से जुड़कर आते हैं, तो मेन कौन होता है, रादर देन से जुड़कर आते, मेन कौन होता है, पहले वाला। तो कौन सा वर्ड आया हुआ है, एक सब्जेक्ट ये है, एक सब्जेक्ट ये, किसे इससे जुड़कर, तो मेन कौन हुआ, पहले वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉज। ईच बॉय, जैसे ईच वर्ड आपको दिखे, ईच समझना, फिर रिपीट करने के बाद, देखो हमने बताया था जब भी कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मतलब, देखो जब भी कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मतलब क्या होता है, एक, बताओ एक क्या होता है, सिंगलर होता है। या ऐसा कोई वर्ड आ जाए जिसका मतलब ये निकले, कोई नहीं निकले, या क्या निकले, कुछ भी नहीं निकले, समझना। ऐसा कोई भी वर्ड आ जाए जिसका मतलब एक हो, या कुछ भी ना हो, या क्या, कोई नहीं हो, या एक हो, तो हम बताओ वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब देखो हमने बोला ईच, ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक। हमने बताया था प्रत्येक को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रति प्लस एक निकलेगा। कौन सा वर्ड आ गया, एक वर्ड आ गया। तो इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, समवन, समबडी, नोवन, नोबडी, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ये सब वर्ड किसमें, इन सबका मतलब ये तो एक होगा, ये तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बताओ इन सभी शब्दों के बाद जो वर्ब लगाते हैं वो कैसी लगाई जाती है, सिंगुलर। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, हम वॉज लगा देंगे। कुछ भी रहे, बॉय, गर्ल, इनके बच्चे भी अगर रहेंगे तब भी हम क्या लगाएंगे, बताओ ईच वर्ड दिखे हमको, जो इनके मतलब भाई, बहन, बेटे, पूरी खानदान अगर आ जाए तब भी हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, क्योंकि ईच वर्ड आ गया है। ईच का मतलब ही क्या होता है, प्रत्येक। हाँ नहीं, कहीं पर आ जाए, अगर कहीं पर मान लो ईच आया हुआ, वर्ब इस बाद में किया गया है, तो जो वर्ब लगाएंगे हम किसके साथ लगाएंगे, इसी ईच के साथ लगाएंगे। पहले अगर वर्ब आ गई है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जो हमको इसके बाद लगाना है वर्ब ना। अगला हमारा लिखा, नाइदर पार्टी डैश रेडी, देखो फिर से अगला है, इस पे आते हैं। पहले लिखा हुआ नाइदर पार्टी इज रेडी, नाइदर का मतलब क्या होता है, दो में से कोई भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, कोई नहीं, इसका मतलब जहां पर कोई नहीं आता वो क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, इसने बताया था ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो, एनीवन हो, समवन हो, नन हो, समबडी हो, एनीबडी हो, नथिंग हो, समथिंग हो, ये सब क्या होते हैं, एक होंगे या तो कुछ भी नहीं, तो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं।
अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ। बताओ जब भी दो सब्जेक्ट किसी को कहते हैं एंड से और किसी एक के पहले अगर आर्टिकल लगा होता है वो क्या होता है सिंगुलर। इसका मतलब क्या हो जाए अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ का मतलब क्या हो जाए एक ऐसी काउ एक ऐसी गाय जो काली और कैसी है सफेद है। मतलब हिंदी में कैसी है चितकबरी है। कैसी है चितकबरी गाय है। अगर चितकबरी क्या होता है पता है ना क्या चितकबरी क्या होता है पता है ना जो व्हाइट भी होते हैं ब्लैक भी होता है चितकबरा चितकबरा बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक ही गाय के बाद अगर यहाँ पर लिखा तो आ ब्लैक एंड अ व्हाइट काउ। अब कितनी गाय हो गई दो। इसका मतलब एक सफेद गाय और एक कैसी गाय काली गाय। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते लिखा हुआ है एवरी वन। जैसे एवरी वन आ गए एवरी वन का मतलब क्या होता है कुछ भी नहीं देखेंगे हम फोन क्या लगा देंगे वॉज लगा देंगे। क्वेश्चन आप अगर स्पीड बढ़ाना एग्जाम में तो हम लोग यही करेंगे एवरी वर्ड दिख जाए तो हम पढ़ना ही नहीं सेंटेंस क्या लिखा हुआ है। अगला उसको ईच बॉय जैसे ईच बॉय क्या लगा देंगे वॉज लगा देंगे। अगला उस लिखा हुआ 20 miles आर अलॉन्ग आर वे टू वॉक। 20 miles की दूरी जो है एक क्या है लंबी दूरी है टू वॉक चलने के लिए क्या हो जाएगा इज क्योंकि ये 20 miles क्या दिखा रहा है एक यूनिट को दिखा रहा है। अगर हमको ये बोलना होता 20 miles अभी जाना है एक माइल्स नहीं दो माइल्स नहीं तीन माइल्स नहीं 20 miles चलते जान निकल जाएगी इसका मतलब क्या लगा देंगे फिर आर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक यूनिट को दिखा रहा है तो यूनिट के यहाँ पे क्या लगा इसमें किस पार्ट में गलती है आर के यहाँ पे क्या लगा देंगे हम इस लगा देंगे यहाँ पर किस पार्ट में गलती है सेकंड वाले पार्ट ये पार्ट है ये बी पार्ट। अगला है हाँ क्या हुआ नाइदर माई वाइफ नॉर माई ब्रदर इन लॉ वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क। ना ही मेरी पत्नी ना ही मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरी मदद की मेरे काम में मदद की। अब बताने पर जो भी जब भी दो सब्जेक्ट नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो या ओ आर से जुड़कर आता है तो मेन कौन होता है जो बाद में आया हुआ है। अब बताओ बाद में कौन आया हुआ इनका साला आया हुआ है। बाद में कौन आया हुआ है किसका साला बताओ क्योंकि हाईलाइट इस टाइम कौन चल रहा है दानिश चल रहे हैं। तो जब भी आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो और जुड़कर आता है वक्त तो मेन कौन होता है साला। जबकि यहाँ के मुंह डिस्टर्ब कर दिया होगा यहाँ पर क्या आना चाहिए था मतलब सिस्टर लाना चाहिए था यहाँ पर आना क्या चाहिए आपके हिसाब से आप डिस्टर्ब हो गए काफी जो है आना क्या चाहिए सिस्टर ला। लेकिन अब आगे अब क्या करें फिर जो आगे अब देखें क्या क्या इन लॉ। अगर ये होता ब्रदर्स इन लॉ होता मतलब एक साले नहीं कई साले तो ये क्या इसका मतलब बाद वाला क्या है यहाँ पर बाद वाला क्या है सिंगुलर। तो बताओ सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम वॉज मतलब जो जब भी आइदर आता है तो मीन कौन होता है बाद वाला। अगर ब्रदर्स इन लॉ होता तो क्या लगाते हैं हम वर। सिस्टर्स इन लॉ होता क्या लगाते हैं हम वर लगाते। अगर सिस्टर इन लॉ होता तो क्या लगाते हैं हम वॉज। अगला हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ नेक्स्ट है इफ माई फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई। इफ माई फादर अप्रूव यहाँ पर माई फादर क्या है सिंगुलर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे अप्रूव से लगा देंगे। ये आपका एक कंडीशनल सेंटेंस ही है जब पढ़ाएंगे अलग से इसको पढ़ाना पड़ेगा तब इसको समझ पाओगे भी एक कंडीशनल सेंटेंस एक वाक्य होता है उसमें आता है। हाँ इफ के लिए समझो इफ के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब में किसी वर्ब के काम पड़ता है किसका बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछो इफ के लिए अगर हेल्पिंग वर्ब में किसी काम पड़ता है इज अहमद वाज वर्ब में तो हम केवल क्या लगाते हैं वर्ब। ये सेंटेंस ऐसे बनेगा जब अगर मैं वो होता अगर मैं उसकी जगह पर होता अगर मैं चिड़िया होता अगर मैं राजा होता तो कैसे बोलेंगे इफ आई वर अ किंग इफ आई वर अ बर्ड इफ आई वर अ पेन इसका मतलब क्या हो जाएगा अगर मैं ये होता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है इफ माई फादर अगर मेरे फादर मैं होते नहीं क्या कह रहा है अगर मेरे फादर अनुमति देते अप्रूव करते तो यहाँ पर किसी के स्थान की इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा है सिर्फ सिंपल एक शर्त लगा रहा है कि अगर मेरे फादर होते। अगर जब ये पढ़ाएंगे इसको अलग से पढ़ाएंगे तो समझ जाओगे आप। अगला नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान नाइदर आया हुआ है नॉर आया हुआ है बताओ क्या लगा दे यहाँ पर क्या लिखा है नहीं क्या लगेगा यहाँ पर है क्योंकि नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के हिसाब से क्या लगाई जाती है वर्ब लगाई जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है यू एंड आई हैव नोन टू ईच अदर फॉर द लास्ट 6 years बताओ यू एंड आई बताओ क्या लगाए जो है आई के साथ हैज लगता है बताओ क्या लगाए बताओ हैव क्यों लगेगा बताओ हाँ क्योंकि एक ये हो गए और एक क्या हो गए ये हो गए एक और एक मिलकर कितने बन गए दो और जो दो होता है वो क्या होता है प्लूरल तो यहाँ पर हैज नहीं क्या लगाएंगे हम हैव लगा देंगे। अगला है एवरी मैन बस खत्म क्वेश्चन हमारा क्या एवरी जहाँ पर लगा इसका मतलब वर्ब ढूंढेंगे वर्ब यहाँ पर क्या लगाई जाएगी इस लगा जाएगी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में लंबे लंबे लिखे होंगे आपको डरा सकते हैं क्वेश्चन जो है लेकिन आपको क्या रहना है अलर्ट रहना है। अगला है मीटलेस डेज हैव बीन मेड इनटू अ फिल्म। मीटलेस डेज जो है उन दिनों के नाम है जब जो है मीट नहीं मिलता था उन दिनों का नाम एक वो एक एक यूनिट को दिखा रहा है ये टाइम देखो यहाँ पर है ये आप ऐसे समझ इस क्वेश्चन को पहले समझ जब कुछ क्वेश्चन लगा लोगे आप कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जब आपको कई बार प्रैक्टिस कर लेते हो तब वो क्वेश्चन लगते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा जो आंसर बताओ क्या लग जाएगा यहाँ पर हैज लगेगा।
यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैज। नाइदर ही नॉर हिज फादर इज इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द पार्टी। नो वेदर सेंटेंस पूरा का सही है, क्योंकि और नॉर जब आता है, नाइदर जब आता है, मेन क्या होता है? फादर। और क्या लगा हुआ इज, इसका मतलब क्या होता है? सही होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी। इस जगह का क्लाइमेट मुझे सूट नहीं करता। ऑफ के पहले क्या आया हुआ? क्लाइमेट। और क्लाइमेट कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या बताओ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं? क्या लगाते हैं? डज नॉट। जैसे लिखा हुआ ही क्या होता है? सिंगुलर। ही के बाद हम क्या डू नॉट लगाते हैं? डज नॉट लगाते हैं। डज नॉट लगाते। दे के साथ क्या लगाते हैं? डू नॉट लगाते हैं। यहाँ पर क्या हो जाए, क्योंकि सिंगुलर है तो हम क्या लगाते हैं? डज नॉट। अगला, द डायरेक्टर अलोंग विथ द स्टाफ मेंबर्स वर प्रेजेंट। हमने बताया जब भी दो सब्जेक्ट विथ वाले वर्ड से जुड़कर आए, जब भी दो सब्जेक्ट विथ वाले वर्ड से जुड़कर आते हैं तो मेन कौन होता है? पहले वाला। पहले वाला क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? वर्ड लगा। अगर मान लो आगे कहीं पर पॉसेसिव भी अगर आई हुई तो क्या, वो भी क्या लगाते हैं? हम सिंगुलर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, माई फादर इन लॉ हु लिव इन मुंबई हैज कम स्टे विथ अस। मेरे फादर इन लॉ मतलब ससुर, जो हु का मतलब यहाँ पे क्या होता है? जो कहाँ पर रहते हैं? मुंबई में रहते हैं। हैज कम टू स्टे विथ मी, मेरे साथ रहने के लिए आए। बताओ सेंटेंस सही है हमारा? हाँ, ये देखो हु के जस्ट पहले क्या आया हुआ है? फादर इन लॉ, ससुर। ससुर कितने हैं? एक। फादर्स इन लॉ नहीं लिखा हुआ है क्या? फादर इन लॉ। अब बताओ जब, इसका मतलब ये सब्जेक्ट कैसा बन गया? सिंगुलर सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में हम क्या लगाते हैं? एस या ईएस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिव्स हो जाएगा। फिर समझे यहाँ पर क्या हो जाएगा? लिव्स हो जाएगा। अगला, विकास वाज हैप्पी, विकास बहुत खुश था। दैट की, मुकेश एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे। समझना, लिखा हुआ विकास वाज हैप्पी, बात सही है यहाँ पर। दैट मुकेश एंड हिज सिस्टर वाज, देखो दो लोग यहाँ पे, मुकेश सिस्टर, कितने लोग हैं? दो लोग। क्या बताओ इसके बाद वाज लगाएंगे हम? क्या लगा देंगे हम? वाज लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वाज लगा देंगे। अगला कुछ, तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं। लिखा हुआ है, माय सिस्टर इन लॉ विथ हर हस्बैंड नाउ इन मुंबई वर प्रेजेंट एट द। देखो विथ आ गया है, विथ जब आता है और दो सब्जेक्ट आते हैं तो मेन कौन होता है? पहले वाला। तो यहां पर वाज, वाज नहीं, क्या लगाएंगे हम? वाज लगा देंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पीपल, बताओ क्या लगाएंगे हम? जो है अप्लाइंग वर सो लॉज। हाँ, देखो जब भी अगर आ देखो जब भी आ नंबर ऑफ आएगा तब सब कुछ क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन जब भी द नंबर आ जाए, क्या आ जाए? द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है? प्लूरल नाउन होता है। लेकिन जो वर्ब आती है सिंगुलर वर्ब होती है, जो पॉसेसिव बात है वो भी क्या होती है? सिंगुलर होती है। इसका मतलब यहाँ पर कौन से क्या लगा देंगे हम? वॉज लगा देंगे। समझना, हमने क्या पढ़ा था? अगर अ नंबर ऑफ आ जाए, अ ग्रेट में नहीं आ जाए, अ गुड में नहीं आ जाए, अ लार्ज नंबर आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, अ लॉट ऑफ आ जाए, तो ये क्या होते हैं? मेनी होते हैं। लेकिन द नंबर ऑफ का केस अलग हो, द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो कैसा होता है? प्लूरल। क्यों प्लूरल होता है? क्योंकि क्या आया हुआ है? ऑफ आया हुआ है। ऑफ के बाद जो भी नाउन होता है वो कैसे होते हैं? प्लूरल। लेकिन वर्ब कैसी होती है इस केस में? क्या होती है? सिंगुलर होती है। लास्ट क्वेश्चन अगला है, ये लिखा हुआ, रमन वॉज वन ऑफ दोज ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया हु हैज अर्नड एवर लास्टिंग। एवर लास्टिंग का मतलब होता है अस्थाई। फेम, फेम का मतलब होता है ख्याति, प्रसिद्धि। फॉर साइंटिफिक रिसर्चेज, समझना यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, आप इतना लंबा सेंटेंस डरोगे नहीं। आप जो है लिखा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सन्स ऑफ इंडिया हु, कौन सा वर्ड आ गया? हु का मतलब क्या होता है? जो हु के वाले केस में हम क्या करते हैं? हु के बाद जो वर्ब का यूज करते हैं तो देखते हैं कि हु के जस्ट पहले क्या आया हुआ है। तो बताओ हु के जस्ट पहले क्या आया हुआ है? हु के जस्ट मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग जो है, ये इसकी किसकी बात कर रहे हैं? सन्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। मेन सब्जेक्ट कौन सा है? सन्स ऑफ इंडिया। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? हैव को यूज करेंगे। क्या लग जाएगा यहाँ पर? हैव हो जाएगा। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कल का टॉपिक